अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अब्बास माका। आज अप्रैल का महीना चल रहा है, जिस महीने में दुनिया के महान साइंटिस्ट हमें छोड़ के चले गए, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनकी याद में मैं आज ये ट्रिब्यूट देने जा रहा हूँ। आज मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट जिसने इंसानी तारीख की बदल दी, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। जिस इंसान ने आज तक कोई भी गलती नहीं की, उस इंसान ने आज तक नया करने की कोशिश भी नहीं की, ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के महान साइंटिस्ट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 में जर्मनी के एक शहर में। वो एक यहूदी खानदान के वारिस थे। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने गौर किया कि उनका दिमाग किसी भी आम बच्चे से बड़ा था और वो दिमागी तौर पे पागल बच्चे के रूप में थे। आज 65 साल हो गए सर एल्बर्ट आइंस्टाइन हमें छोड़ के चले गए, पर आज भी साइंस उनकी फिजिक्स के बगैर कमज़ोर है। तो यही वजह है कि आज सब उनके दिमागी के बारे में जानना चाहते हैं। डॉक्टर्स मानते थे कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन एक एबनॉर्मल बच्चे हैं। आम बच्चे बात करना शुरू हो जाते हैं 1 या 2 साल की उम्र पर सर एल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक कुछ भी नहीं बोले थे। एक दिन वो अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहे थे और उन्होंने सूप पी के बोला कि सूप बहुत गर्म है। उनके माँ बाप बहुत हैरान रह गए और बहुत खुश भी हुए और उन्होंने बोला, बेटा आज तक तुम बात क्यों नहीं करते थे। फिर उन्होंने अजीब सा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आज तक तो सब कुछ ठीक था। कुछ ऐसी दूसरी भी बातें हैं जिसे आम इंसान सुन के हैरान हो जाता है, जैसे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट्स और नंबर याद रखने में तकलीफ होती थी। एक दिन उनके सहकर्मी ने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ योर टेलीफोन नंबर, तो वो अपने टेलीफोन डायरेक्टरी में चेक करना शुरू हो गए। उनके सहकर्मी हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें अपना नंबर भी याद नहीं है। उन्होंने जवाब दिया, ऐसी चीज़ मैं क्यों याद रखूँ जो मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाती हैं। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत हुई थी 1955 18 अप्रैल। उनकी मौत के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनकी खानदान के बिना पूछे उनका दिमाग ले रिसर्च के लिए उनका दिमाग ले लिया और वो वहाँ से भाग गए। इसी हरकत की वजह से हॉस्पिटल वालों ने डॉक्टर थॉमस हार्वे को नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन का दिमाग एक जार में बंद रखा। फिर कुछ सालों के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे हांस एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इजाज़त दे दी डॉक्टर थॉमस हार्वे को कि वो मज़ीद रिसर्च करें। और पहले उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग का वेट वज़न चेक किया। उनके दिमाग का वज़न 1230 ग्राम था। एक आम इंसान के दिमाग से 170 ग्राम छोटा था उनका दिमाग। फिर डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग के 204 हिस्से किए और दुनिया के महान रिसर्चर्स के पास बेच दिया। उनके बाद उनके दिमाग के टिश्यूज़ के 1000 पीसेस किए और फिर से उनको रिसर्चर्स के पास भेजा। फिर पता चला कि उनके दिमाग में ज़्यादा सेल्स हैं किसी भी आम बंदे से। फिर उन्होंने ज़्यादा रिसर्च की, पता चला कि उनके दिमाग का एक हिस्सा वहाँ पर मौजूद नहीं था। इसी वजह से उनका पेरिटल लोब नाम का हिस्सा एक आम इंसान से 70 गुना बड़ा था। फिर मज़ीद रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि उनके सेरिब्रम नाम के एक पार्ट वो बड़ा था एक आम इंसान की वजह से। इसी वजह से उनके दिमाग की थिंकिंग पावर ज़्यादा थी। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या हमें देके गए। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें सोलर पावर की थ्योरी दी और GPS सैटेलाइट की थ्योरी दी और सैटेलाइट की थ्योरी दी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और आप बताना चाहते हैं कि डॉक्टर थॉमस हार्वे ने सही किया है गलत किया, आप वो फीडबॉक्स में दे सकते हैं।